नमस्कार माताएं बहनों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी में। आज की वीडियो बेहद की खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आप सभी को हम बता दें कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे इस संसार में सभी सुखों की प्राप्ति हो। इसके लिए वह कठिन परिश्रम करता है, लेकिन कई बार लाख प्रयास के बाद भी उसे अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है और व्यक्तियों के जीवन में अक्सर धन की कमी को देखने को मिलती है। यानी कि सबसे ज्यादा व्यक्ति को अगर किसी चीज की कमी होती है तो वह धन की कमी होती है। पर नवरात्रि के दौरान आप कुछ ऐसी आसान से उपाय जरूर कर सकते हैं, कुछ ऐसे टॉनिक टोटके कर सकती है जिससे कि माता रानी आपको आपका मनोवांछित फल देता है और आपकी सभी मनोकामनाओं को इच्छाओं को पूरा करती है। माताएं एवं पहलू, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय जय माता रानी। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन शक्ति से भरे हुए अत्यंत जागृत एवं मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के दिन होते हैं। इन दिनों में मां की पूर्ण श्रद्धा से आराधना करने एवं कुछ खास टोटकों को चुपचाप करने से सभी मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि महायोग टीवी चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि तनी ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी तक श्री माध्यम से पहुंचना है, क्योंकि हमारा संकल्प है जन सेवा एवं जन कल्याण करना। यानी कि हर एक माता बहन को, हर एक भाई बहन को यह जानकारी श्री माध्यम से सभी माता बहनों तक पहुंचाना और भारत की हर एक नागरिक को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त पहुंचना जिससे कि वह लाभ ही लाभ उठा सके, अपने जीवन में धन की कमी को दूर कर सके, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और सभी देवी देवताओं की आप पर कृपा बनी रही। इसलिए आज की वीडियो आप पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि हम आज की वीडियो में वह चमत्कारिक से चमत्कारिक कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपाय बन सकता है। यानी कि कुछ समय भी मैं भी वह करोड़पति से करोड़पति बन सकता है। आप सभी को मैं महायोग टीवी का ऑनर सौगंध खाता हूँ, आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए तो मुझे बताना, पर उसके लिए आपको महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको इतनी ज्ञानवर्धक बातों का आपको लाभ मिलेगा। यानी कि महायोग टीवी चैनल की वीडियो को आपको पूरा ही देखना होगा, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में सभी दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएंगे। चलिए जान लेते हैं उन सभी वस्तुओं के बारे में जिन्हें हम नवरात्रि के दौरान अपने घर पर लाकर और यह उपाय कर लेते हैं, यह टोनी टूट कर लेते हैं तो मन कर चलिए आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 6 से 7 ऐसी सामग्री बताऊंगा जिसे आप नवरात्रि के टाइम पर, यानी कि शारदीय नवरात्रि के टाइम पर कोई भी उपाय करें, आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको हर मनोकामना इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, माता रानी का आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा एवं सभी देवी देवताओं की आप पर असीम कृपा होगी और आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाओगे। अगर आप माता रानी की यह वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन उपायों को किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से इन उपायों से हमें जरूर ही लाभ की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है, माता रानी के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इसलिए सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स जय माता रानी अवश्य ही लिख दीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, गूंजा जितनी आकर्षक दिखाई देती है यह उतनी ही चमत्कारी भी मानी जाती है। ज्योतिषियों ने भी रक्त गूंजा माला को अत्यधिक फायदेमंद बताया है। मान्यता है कि इस गूंजा के प्रयोग से व्यक्ति आर्थिक, पारिवारिक और करियर संबंधी बाधाओं से बच सकता है। आज के ब्लॉग में हम आपके साथ रक्त गूंजा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय साझा करने जा रहे हैं, तो इसे अंत तक पढ़ें। गूंजा से जुड़े उपाय व टोटके, आर्थिक समस्या से छुटकारा। देवी लक्ष्मी को लाल गूंजा चढ़ाने से आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में लाल गूंजा है तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। संतान सुख के लिए करें ये उपाय। गूंजा संतान सुख के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप इसका प्रयोग सिर्फ सही कार्यों के लिए ही करें। यदि आप भी संतान सुख की कामना करते हैं तो रक्त गूंजा को सकारात्मक मन से धारण करें। इसके उपयोग से बुद्धि
और ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए भी किया जाता है। नकारात्मक ऊर्जा से पाए छुटकारा, लाल गूंजा का प्रयोग बुरी या नकारात्मक नजर ऊर्जा से बचाव के लिए भी किया जाता है। यदि आपके बच्चे को बार बार बुरी नजर लग गई हो तो 5 या 11 गूंजन लेकर बच्चे के ऊपर से 5 बार उल्टा उतारें और कोयले के साथ आग लगा दें। साथ ही लाल गूंजा दूल्हा दुल्हन को बुरी नजर से बचाने के लिए भी पहना जाता है। पैसों की किल्लत को दूर करने का उपाय, यदि आपको लगातार कारोबार में घाटा हो रहा है और मां लक्ष्मी आपसे रूठ गई हो तो आप अपने कार्य क्षेत्र के कैशबॉक्स के नीचे काली गूंजा के दाने डाल दें और AUM ऐ ह्रीं विजय वरदाय देवी मम मंत्र का प्रतिदिन 5 माला जप करें। इस पूजा को मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठकर करें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। इन सभी उपायों को आप नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं, यानी कि आप शादी नवरात्रि में इन सभी चीजों का विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। माता रानी की आपका असीम कृपा होती है और गूंजा से जुड़े उपाय बहुत ही जल्दी आपको लाभ प्रदान करते हैं। इस उपाय से धन संबंधित समस्या होती है। दूर नवरात्रि के दिन सियार सिंह की को चांद की डिब्बी में रखकर मां भगवती के सामने रख दें और पूजा करें। इसके साथ ही हर पुष्य नक्षत्र में सियार सिंह की पर सिंदूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन के मार्ग उत्पन्न होते हैं। मां भगवती का मिलेगा आशीर्वाद। नवरात्रि में मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए कमल गट्टे की माला से देवी दुर्गा के बीज मंत्र का जप करें और नियमित हवन करें। ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर के दोष दूर करने के लिए लौंग के उपाय, नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज जलते हुए कपूर पर एक लौंग रख लें और फिर उसको पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी तरह के दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के रहने से मां दुर्गा का भी घर में वास होता है, जिससे मंगल ही मंगल बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और समाज में सम्मान भी मिलता है। अटके कार्य पूरे करने के लिए लौंग के उपाय, राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन शिवलिंग पर लौंग चढ़ाएं और शिव परिवार का पूजन करें। ऐसा करने से छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और आपके अटके हुए कार्य बनने लग जाते हैं। करियर में उन्नति के लिए लौंग के उपाय, लाख मेहनत करने के बाद भी करियर में अच्छी उन्नति नहीं हो रही है या सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही तो नवरात्रि में हर रोज लौंग का जोड़ा लेकर उसको अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार वार लें और माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें, या फिर आपके घर पर अग्यारी होती है तो उसमें अर्पित कर दें। ऐसा करने से करियर में अच्छी बढ़ोतरी होगी और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग भी बनेंगे। नजर दोष के लिए लौंग के उपाय, अगर परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता या फिर बच्चों को बहुत जल्दी नजर दोष लग जाता है तो उनके ऊपर से 11 लौंग उतार कर किस चौराहे पर फेंक आए, लेकिन ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है तो बच्चों की नजर लगना भी बंद हो जाता है। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांट दें। छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें। नवरात्र के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री, स्वास्थिक, AUM, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़ घंटी, पात्र, कमल, श्रीयंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल खरीदें और देवी दुर्गा के चरणों में रखें और इसकी पूजा करें। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी व रुपए रखने की जगह रख दें। इससे आश्चर्यजनक रूप से धन में वृद्धि होगी ता है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि लक्ष्मी माता की ऐसी तस्वीर या मूर्ति को ही घर लाएं जिसमें वे कमल के आसन पर विराजमान हों और उनके हाथों से धन वर्षा हो रही हो। इस तस्वीर को घर के मंदिर या पूजा स्थल में स्थापित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है। माताएं बहनों,
आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक माता बहन को शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो, लाभ ही लाभ प्राप्त हो, माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद हर एक भक्त को प्राप्त हो सके। इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और माता रानी भी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको मनवांछित फल प्राप्त होने का महावरदान भी आप सभी को मिलता है। माताएं बहनों, चांदी का सिक्का, नवरात्रि के दिनों में चांदी का सिक्का घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन सिक्के पर गणेश जी या मां लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हो ऐसा सिक्का ज्यादा शुभ माना जाता है। इस सिक्के को घर के मंदिर या पूजा स्थल में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है। श्रृंगार का सामान नवरात्रि में, श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इन चीजों को मां दुर्गा को अर्पित कर पूजा स्थल में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास और खुशहाली आती है। कमल का फूल, मां लक्ष्मी को कमल का फूल बेहद प्रिय होता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल लाएं और मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान उनको अर्पित करें। तुलसी का पौधा, नवरात्रि के दौरान तुलसी का पौधा घर में लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में तुलसी का नया पौधा घर लाकर लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। नवग्रह यंत्र, नवरात्रि के दौरान घर में नवग्रह यंत्र को घर में स्थापित करने से सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है। स्वास्तिक, स्वास्तिक का चिन्ह बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रॉपर्टी, शारदीय नवरात्रि के अवसर पर कोई नई संपत्ति जैसे कि नया घर, जमीन या कोई दुकान खरीदना शुभ होता है। यदि आप कई दिनों से नई संपत्ति को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो नवरात्रि का समय सबसे शुभ है। धातु की मूर्ति शारदीय, नवरात्रि 2024 में अपने इष्ट देव की मूर्ति खरीदने और इसे मंदिर में स्थापित करने से आपको उनका असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार सोने, चांदी और पीतल की मूर्ति खरीद सकते हैं। यदि आप धातु की मूर्तियां खरीदना चाहते हैं तो नवरात्रि में अवश्य खरीदें। वाहन, नया वाहन लेने के लिए शारदीय नवरात्रि का समय बहुत उपयुक्त है। मान्यता है कि इस समय लिए गए वाहन आपका लंबे समय तक साथ देंगे और उनके जल्दी खराब होने की आशंका भी कम होती है। श्रृंगार का सामान, शारदीय नवरात्रि के समय श्रृंगार का सामान भी अवश्य खरीदें। इससे मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और हमें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। श्रृंगार का सामान आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है, साथ ही आपको रूपवान बनाने में भी मदद करता है। मान्यता है कि महिलाएं इस दौरान श्रृंगार की चीजों को मां दुर्गा को अर्पित करके उसे उपयोग करें तो मां का आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। शुभ पौधे शंख पुष्पी, हर श्रृंगार, तुलसी, बरगद, केले का पौधा, ये कुछ ऐसे शुभ पौधे हैं जिन्हें शारदीय नवरात्रि के समय अवश्य खरीदें और अपने घर के बगीचे में रोपें। ये सभी पौधे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। ध्वज नवरात्रि पर केसरिया रंग की ध्वजा खरीदकर मंदिर में रखें। नवमी के दिन इसे किसी देवी के मंदिर में अर्पित कर दें। सनातन धर्म में केसरिया ध्वजा प्रगति का प्रतीक होता है। वस्त्र आभूषण, इस चैत्र नवरात्रि में नए वस्त्र और आभूषण अवश्य खरीदें। महायोग टीवी चैनल, कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ज्ञान बढ़ता जानकारी हर एक माता बहन तक इस वीडियो के माध्यम से शेयर करें, जिससे कि हर एक माता बहन को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। यह आपके भाग्य को आपके पक्ष में रखने में काफी मदद करेंगे और साथ ही आपके लिए शुभ सिद्ध होंगे। मिट्टी का घरौंदा, एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीद कर इसे पूजा स्थल में रखें। नवरात्र में खरीदा गया मिट्टी का घर आपके अपना घर लेने के सपने को जल्दी ही पूरा करने में मदद कर सकता है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहेगी। गाय का घी,
गाय का घी स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। नवरात्रि में गाय का घी अवश्य खरीदें और इससे दीपक जलाएं, साथ ही अपने परिवार में सभी सदस्यों को इसका सेवन करने को कहें। इससे उन्हें निरोगी रहने में मदद मिलेगी। नवग्रह यंत्र, नवरात्रि के दौरान घर में नवग्रह यंत्र घर में लाना चाहिए। घर में नवग्रह यंत्र स्थापित करने से सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसे घर में रखना बहुत ही लाभदायक होता है। केले का पौधा, केले का पौधा लाने से आपके परिवार की हर परेशानी दूर होगी। किसी भी शुभ मुहूर्त में इस पौधे को घर ला सकते हैं। इसे गमले में लगाकर 9 दिन तक जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन जल में थोड़ा दूध मिलाकर केले के पौधे पर चढ़ाने से धन की कमी दूरी होगी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हरसिंगार का पौधा, नवरात्रि के दिनों में यदि आप हरसिंगार का पौधा लाते हैं तो इससे भी घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हरसिंगार के बांधे को आप घर में लाल कपड़े में बांधकर ऐसे स्थान पर रखें जहां आपका धन रखा जाता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होगी। बरगद का पत्ता, नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन बरगद का पत्ता तोड़कर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद उस पर हल्दी और देशी घी से स्वास्तिक बना लें। इस पत्ते को पूजा के स्थान पर रख दें। 9 दिन तक धूप दिखाएं और पूजा करें। ऐसा करने से हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। लाल कपड़े में लपेटकर इसे साल भर तक पूजा के स्थान पर रखने से धन की कभी कमी नहीं होगी। धतूरे की जड़, भगवान शिव का अति प्रिय धतूरे का प्रयोग मां काली की पूजा में भी होता है। नवरात्रि के दिनों में आप शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर लाएं। इसे लाल कपड़े में लपेटकर रखें। मां काली के मंत्रों का जाप करते हुए इसका पूजन करें। ऐसा करने से हर प्रकार की परेशानी दूर होगी। शंख पुष्पी की जड़, नवरात्रि के दिनों में शंख पुष्पी की जड़ घर में लाएं। इसे चांदी के डिब्बे में रखकर उस स्थान पर रखना है जहां आप अपना रुपया पैसा रखते हैं। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। नवरात्रि में घर लाएं ये शुभ चीजें। नवरात्रि के पहले दिन लाल रंग की त्रिकोणीय पताका जरूर खरीदें। नवरात्रि में यह पताका खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह का पताका माँ दुर्गा की जय जयकार और विजय की निशानी होती है। नवरात्रि के दौरान उस पताका को पूजा घर में रखकर विधिपूर्वक पूजा करें। घर की छत पर हा पताका अगली नवरात्रि तक लगी रहने दें। नवरात्रि में मां दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए विवाहित महिलाओं को नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल चुनरी के साथ सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में मां को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और पति की उम्र बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नवरात्रि के दिनों में घर में चांदी की कोई चीज खरीद कर घर लानी चाहिए। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस चांदी की वस्तु को सबसे पहले मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है। अगर आपके काम में बार बार बाधा आती है या फिर आपके काम बीच में अटक जाते हैं तो नवरात्रि में अपने घर मौली खरीद कर ले आएं। घर लाने के बाद मौली के धागे में 9 गांठें लगाकर मां दुर्गा को अर्पित कर दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से किसी भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। मां दुर्गा के चरण जहां पड़ते हैं वह घर धन्य हो जाता है। शारदीय नवरात्रि पर आप मां दुर्गा के पद चिन्ह घर ला सकते हैं। घर लाकर इनका पूजन करें। मां दुर्गा के पद चिन्हों को पूजा स्थान के पास ही लगाना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में आप लाल चंदन की माला भी खरीदकर घर ला सकते हैं। मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला अति उत्तम मानी जाती है। इस माला मां के मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। हल्दी का उपाय, हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें। देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद इन दोनों हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दें। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दें और नई गांठ रखते रहें। पान के पत्ते का उपाय, पान का पत्ता
पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है। यह एक औषधि भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लें, इनको लाल धागे में बांधकर माला बना लें। इसे नवरात्रि में किसी भी रात्रि को देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माला को जल में प्रवाहित कर दें। नारियल का उपाय, नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा बिना नारियल के पूरी नहीं हो सकती है। नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं से छुटकारा पा सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी रात्रि को एक पानी वाला नारियल लें, इसको अपनी गोद में रखकर देवी के समक्ष बैठें। इसके बाद एक विशेष मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। लौंग का उपाय, देवी की पूजा में लौंग का खूब प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से विशेष मनोकामना को आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। अपनी उम्र के बराबर लौंग लें, इसे काले धागे में बांधकर माला बना लें। नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद माला को जल प्रवाह कर दें। नवरात्रि में देवी को चांदी की लौंग अर्पित करने से तंत्र मंत्र की बाधा कट जाती है। सुपारी का उपाय, सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। एक संपर्ण सुपारी ले लें। सुपारी जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा होगा। इसके चारों तरफ सिंदूर लगाएं। इसके बाद उस सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी को अर्पित कर दें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद कपड़े के साथ सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख लें। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले कई लोगों के घर में तुलसी का पौधा होता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ ही तुलसी की पूजा भी की जाती है। कैसे आपको नव दुर्गा की पूजा के साथ तुलसी की पूजा करनी चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि में ऐसे करें, तुलसी की पूजा नवरात्रि के दौरान नव दुर्गा की पूजा के साथ ही तुलसी के पौधे की पूजा भी आपको करनी चाहिए। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा है उस स्थान को भी आपको शुद्ध करना चाहिए और माता दुर्गा के सामने दीप प्रज्वलित करने के साथ ही तुलसी के पास भी एक दीपक जलाना चाहिए। वहीं अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप नवरात्रि में खरीद सकते हैं। नवरात्रि में तुलसी के पौधे को घर लाने और उसकी पूजा करने से वास्तु से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी पूजा के लाभ ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान तुलसी के सामने दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि में प्रतिदिन तुलसी को भी धूप दीप आपको अवश्य दिखाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप तुलसी की भी पूजा करते हैं तो आपको दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि नवरात्रि में अगर आप तुलसी की विधिवत पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को न तोड़ें। हालांकि स्वयं टूटे हुए पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान जो भी गुरुवार आए उस दिन तुलसी के पौधे में पानी और कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में किसी भी तरह का कलह क्लेश यदि था तो वो दूर हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया जाए तो घर में कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही घर में अगर लोग बार बार बीमार पड़ते हैं तो तुलसी के सामने दीपक जलाने से हर स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा मिल सकता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को महायुद्ध टीवी चैनल की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज तुलसी की पूजा करनी चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि में ऐसे करें, तुलसी की पूजा नवरात्रि के दौरान नव दुर्गा की पूजा के साथ ही तुलसी के पौधे की पूजा भी आपको करनी चाहिए। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा है उस स्थान को भी आपको शुद्ध करना चाहिए और माता दुर्गा के सामने
दीप प्रज्वलित करने के साथ ही तुलसी के पास भी एक दीपक जलाना चाहिए। वहीं अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप नवरात्रि में खरीद सकते हैं। नवरात्रि में तुलसी के पौधे को घर लाने और उसकी पूजा करने से वास्तु से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी पूजा के लाभ ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान तुलसी के सामने दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि में प्रतिदिन तुलसी को भी धूप दीप आपको अवश्य दिखाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप तुलसी की भी पूजा करते हैं तो आपको दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि नवरात्रि में अगर आप तुलसी की विधिवत पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को न तोड़ें। हालांकि स्वयं टूटे हुए पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान जो भी गुरुवार आए उस दिन तुलसी के पौधे में पानी और कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में किसी भी तरह का कलह क्लेश यदि था तो वो दूर हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया जाए तो घर में कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही घर में अगर लोग बार बार बीमार पड़ते हैं तो तुलसी के सामने दीपक जलाने से हर स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा मिल सकता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को महायुद्ध टीवी चैनल की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक माता बहन को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने का एक मौका जरूर दें, यानी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। माताएं बहनों मिलती हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में।